हेलो एंड वेलकम टू कार्ड लाइट। ये है 2016 की इंडियन कार ऑफ द ईयर और हुंडई ने इसे टैगलाइन दिया द परफेक्ट एसयूवी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई क्रेटा के मोर देन टॉप 10 फीचर्स के बारे में और साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कार्ड लाइट को और ये बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट कार वीडियोस एंड रिव्यूज आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुंडई क्रेटा बेस्ड है हाई बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि काफ़ी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग है। साथ में ये बिल्ट अप है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील से। और इसके साथ साथ यूरो एनकैप रेटिंग हुंडई क्रेटा को मिली थी 4 स्टार्स की। एंड ऑल्सो हुंडई क्रेटा पे आपको मिलती है 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी और हुंडई से कहती है कम्प्लीट पीस ऑफ माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो हुंडई क्रेटा में आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन मिलते हैं, उसके साथ साथ वेरिएंट्स के यानी मॉडल के भी कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्टली डीजल में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.6 लीटर CRDI VGT डीजल इंजन जिसकी पावर है 128 PS की 4000 RPM पे और टॉर्क मिलता है 260 Nm का 1900 RPM पे। साथ में इसकी माइलेज जो है वो है 19.67 KMPL ARAI सर्टिफाइड। एंड 1.6 लीटर डीजल में आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन दोनों ही मिलते हैं, यानी कि मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलेगा और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा। तो नेक्स्ट डीजल इंजन है 1.4 लीटर CRDI डीजल इंजन जिसकी पावर है 90 PS की 4000 RPM पे और टॉर्क मिलता है 220 Nm का 1500 RPM पे। और साथ में जो इसकी माइलेज है वो है 21.38 KMPL ARAI सर्टिफाइड और ये अवेलेबल है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। एंड पेट्रोल में मिलता है आपको सिंगल इंजन ऑप्शन जो है 1.6 लीटर डुअल VT पेट्रोल इंजन जिसकी पावर है 123 PS की 6400 RPM पे और टॉर्क मिलता है 151 Nm का 4850 RPM पे। साथ में इसकी माइलेज है 15.29 KMPL ARAI सर्टिफाइड। साथ में इस पेट्रोल इंजन में आपको ट्रांसमिशन मिलेगी मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। एंड मल्टीपल इंजन ऑप्शन के साथ साथ आपको क्रेटा में कई सारे वेरियंट के ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि ये है SX+ डुअल टोन वेरियंट। तो इस मॉडल में मिलती है आपको ग्लॉसी ब्लैक रूफ, साथ में जो इंटीरियर्स हैं वो प्रीमियम बीच सीट इंटीरियर्स हैं ब्राउन इंसर्ट के साथ एंड कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग के साथ। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड लेदर रैप गियर नॉब्स मिलेगी और साथ में कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग वहाँ पे भी मिलेगी और जो गियर नॉब दी गई है वहाँ पे ब्राउन एक्सेंट्स मिलेंगे। तो काफ़ी सारे वेरियंट ऑप्शन और इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं चूज़ करने के लिए। तो जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है उसे हुंडई ने नेम दिया है रियर पार्क असिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा डायनामिक गाइडलाइंस के साथ, यानी जैसे हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करेंगे तो वैसे वैसे गाइडलाइंस भी मूव होंगी जिससे पार्किंग काफ़ी इजी हो जाती है। इसके साथ साथ इसको असिस्ट करने के लिए आपको रियर में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, यानी आपको पार्किंग एड कम्प्लीट दिया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड अब नेक्स्ट बात करेंगे कि किस वेरियंट में आपको किस टाइप की मिलेगी। तो लोअर वेरियंट्स जो हैं जैसे कि ई मॉडल या फिर ई प्लस एस या फिर एस प्लस, तो उस वेरियंट में आपको फोल्ड की मिलेगी जैक नाइफ फोल्ड की। और अगर आप लेते हैं SX+ या फिर SX ऑप्शनल मॉडल तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी की मिलेगी, यानी कि स्मार्ट की मिलती है हुंडई की पुश स्टार्ट बटन के साथ। 3 बटन्स मिलते हैं आपको दोनों ही की में, जो है लॉक अनलॉक एंड टेल गेट रिलीज का बटन। एंड अब देखते हैं क्रेटा में नेक्स्ट फीचर क्या दिया गया है। तो हुंडई क्रेटा में मिलता है MDPS यानी मोटर ड्रिवन पावर स्टेयरिंग जो कि स्मूथ और स्टेबल हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी के लिए डिज़ाइन करा गया है। साथ में ये स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट वेट कैरी करेगा डिफरेंट स्पीड के ऊपर और आपको बेटर राइड क्वालिटी देगा। तो जो क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील है वो सुपर स्मूथ स्टेबल और हाईली रिस्पॉन्सिव है और ये पूरी 4.3 मीटर की SUV एक सिंगल फिंगर के टर्न से स्टीयरिंग व्हील पे मूव हो जाती है और साथ में 0 पॉइंट लेवल पे भी बहुत ही क्विकली आ जाती है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर मिलता है वो है ड्राइवर साइड पावर विंडो का ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है, यानी ऑटो पावर विंडो दी गई है साथ में पिंच गार्ड भी मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम विंडो क्लोज कर रहे हैं और हमारा हैंड आ जाता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली विंडोज रोल डाउन हो जाएंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अब इसके बाद देखते हैं कि क्रेटा में नेक्स्ट फीचर क्या ऑफर करा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, साथ में क्लीन एयर की टेक्नोलॉजी मिलती है एंड क्लाइमेट कंट्रोल में आपको क्लस्टर आयोनाइजर भी मिलेगा जो कि जनरेट करता है पॉजिटिव आयन्स जो कि प्योरीफाई करते हैं एयर को, साथ में इंश्योर करते हैं कि कैबिन में हेल्दियर एंड फ्रेश एयर एंड एनवायरनमेंट बना रहे। एंड क्रेटा के AC की एफिशिएंसी की बात करी जाए तो विद इन सेकेंड्स कैबिन कूल हो जाता है। साथ में जो फैन का थ्रो है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसके साथ साथ आपको 4 AC वेंट्स फ्रंट में मिलते हैं एंड 2 वेंट्स आपको रियर में मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में।
तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रेटा के हेडलैम्प्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ में एलईडी पोजिशनिंग लैम्प दिए गए हैं और कॉर्नरिंग लैम्प्स भी मिलते हैं, यानी कि स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प का फंक्शन भी मिलता है। तो जब हम अपनी क्रेटा को टर्न करेंगे तो उस टाइम कॉर्नरिंग लैम्प्स ग्लो होती हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे उसी डायरेक्शन में कॉर्नरिंग लैम्प्स ग्लो होंगी। जैसे कि अभी राइट साइड टर्न करेंगे तो राइट साइड की कॉर्नरिंग लैम्प्स ग्लो करेंगी, एंड जब हम लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए टायर्स को मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड वाली लाइट्स ग्लो होंगी। साथ में फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल लैम्प का सिस्टम मिलता है, जो कि हेल्पफुल रहता है नाइट के टाइम। तो होंडा क्रेटा का जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है वो इंडियन रोड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ताकि ये मैक्सिमम पॉट होल्स एंड बम्प्स को एब्जॉर्ब करे, साथ में एक बैलेंस्ड एंड कंफर्टेबल राइड दे। और इसके साथ साथ जो सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो है फ्रंट में मैक पियर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ, एंड रियर में आपको मिलता है टोरिजन बीम कॉइल स्प्रिंग के साथ। एंड साथ में इस गाड़ी में जो एनवीएच लेवल दिया गया है वो काफ़ी लो दिए गए हैं, साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो एनवीएच लेवल मिलता है, और इस मामले में क्रेटा कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा आगे है। एंड ओवरऑल क्रेटा में काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे यूज़ करे गए हैं जो है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो कि रोड नॉइज़ को इंजन नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं, साथ में एक साइलेंट राइड में हेल्प देते हैं। तो क्रेटा के इंजन के दोनों एंड्स पे आपको हाइड्रोलिक माउंट्स मिलते हैं, जो कि इंजन नॉइज़ को कैबिन में अंदर एंटर होने से रिड्यूस करते हैं, यानी कि अगर आप 1.6 लीटर डीजल इंजन भी ड्राइव कर रहे होंगे तो इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल कि आप 1.6 लीटर डीजल ड्राइव कर रहे हैं या फिर पेट्रोल ड्राइव कर रहे हैं। तो क्रेटा में काफ़ी सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं, ताकि आपको बेटर राइड क्वालिटी एंड साइलेंट राइड क्वालिटी मिल सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो क्रेटा के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के पोर्ट्स हैं, यानी ऑक्स पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट, दोनों ही एल्यूमिनेटेड दिए गए हैं, ब्लू एल्यूमिनेशन मिलती है, तो नाइट में इन दोनों पोर्ट्स की विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो हुंडई ने अपनी क्रेटा में एक स्लाइटली लग्जरी टच दिया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। तो एक कलर बार मिलती है जो कि आप देख सकते हैं अभी ब्लू एल्यूमिनेशन में है, उसका कलर का टेम्परेचर चेंज होता है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। राइट साइड आपको टेम्परेचर के कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने हाई कर दिया तो कलर डार्क हो जाएगा, एंड जब हम बिल्कुल लो करेंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा, एंड जब हम मिड में रखेंगे तो स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये जो कलर बार का कलर है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेटिंग चेंज होता है। तो जो नेक्स्ट फीचर आपको हुंडई क्रेटा में मिलता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँगा, वरना के अंदर ऐसे ही कुछ आपको फीचर मिलेगा क्रेटा के टॉप एंड वेरियंट एसिक्स ऑप्शन में। तो हम ब्राइटनेस कैबिन की ओवरऑल इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने नीड एंड कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। तो ब्राइटनेस कंट्रोल का आईसी एडजस्टमेंट दिया गया है, जिससे हम कैबिन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड क्रेटा के कंफर्ट की बात करी जाए तो फ्रंट एंड रियर सीट्स एक्सीलेंट कंफर्ट ऑफर करती हैं, साथ में रियर सीट्स में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है। एंड स्टोरेज की बात करी जाए तो रियर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगी 2 कप होल्डर्स के साथ, एंड फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट मिलेगी स्टोरेज के साथ, और इसके साथ साथ चारों डोर्स में आपको मिलेंगे बॉटल होल्डर्स मैप पॉकेट्स के साथ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। क्रेटा के म्यूज़िक सिस्टम या फिर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दिया गया 7 इंचेस का स्मार्ट ऑडियो वीडियो नेविगेशन के साथ सिस्टम, जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ को, ऑक्स को एंड यूएसबी को, साथ में 1 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, एंड 4 स्पीकर्स मिलेंगे एंड 2 फ्रंट ट्वेटर्स मिलेंगे, आर्कमीज की साउंड सराउंड सिस्टम मिलेगा, एंड साथ में ये सिस्टम आपको देगा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड मिरर लिंक का सपोर्ट। और इसके साथ साथ जो सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं वो आपको स्टेयरिंग व्हील पर मिलेंगे। तो हुंडई क्रेटा का जो MID डिस्प्ले दिया गया है वो मिलता है एडवांस सुपरविजन क्लस्टर के साथ, यानी ये शो करेगा आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जैसे स्टीयरिंग पोजीशन रिमाइंडर, पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाएगा वहाँ पे, लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो, साथ में सर्विस रिमाइंडर्स भी मिल जाएंगे, एंड कई सारी चीज़ें आप उधर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो क्रेटा में मिलते हैं आपको 2 12 वोल्ट्स के एसेसरी सॉकेट, एक मिलेगा आपको फ्रंट में एंड एक आपको मिलेगा रियर में AC वेंट्स के ठीक नीचे। एंड सेकेंडली क्रेटा में दी गई है लेदर अपॉल्स्ट्री, जो फ्रंट आर्मरेस्ट है वहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलेगी, एंड जो डोर माउंटेड आर्मरेस्ट है वहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलेगी। एंड अब देखते हैं कि हुंडई क्रेटा में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले मिलता है हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिलता है, जो कि हेल्प करता है अपहिल करते टाइम या इंक्लाइन करते टाइम, ताकि कार रोल बैक ना हो जाए पीछे। एंड इसके बाद दिया गया इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि कॉन्टीन्यूसली सेंस करता है व्हील मूवमेंट या फिर व्हील रोटेशन को, और इन केस अगर सडनली कोई ब्रेक लिया है तो कार स्किट हो जाती है, स्किट होने से भी प्रिवेंट करता है।
एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है डायनामिक गाइडलाइंस के साथ एंड रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे एंड ऑल्सो स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प या फिर कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन भी मिलता है जो कि एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है नाइट में और ब्लाइंड स्पॉट्स को इजीली विजिबल कर देता है। एंड नेक्स्ट फीचर दिया गया है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि वर्क करता है मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग के साथ और हेल्प करता है गाड़ी को एक स्टेबल पोजिशन में रखने में और साथ में प्रिवेंट करता है अंडर स्टीयरिंग से या फिर ओवर स्टीयरिंग से। इसके साथ साथ आपको गाड़ी में मिलते हैं टोटल 6 एयरबैग ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स एंड साथ में क्रेटा में मिलता है आपको ABS विद EBD। इसके साथ साथ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिलते हैं इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिलेगा स्पीड सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर लॉक्स मिलेंगे फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे रियर में आपको डिफॉगर मिलेगा साथ में वाइपर भी एंड वॉशर भी मिलेगा एंड इंजन इमोबिलाइजर दिया गया एंड एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी मिलता है। तो ये थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। अब बात करते हैं क्रेटा के प्राइस की। तो जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 9,30,000 और टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है 14,60,000। दोनों ही प्राइजेज एक शोरूम डेली। तो ये था हुंडई क्रेटा के मोर देन टॉप 10 यूनिक फीचर्स का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।